राजस्थान में एक खुशहाल गांव था, रायपुर। यहां सभी लोग मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करते थे, सिवाय एक आलसी किसान के। इस किसान का नाम था रूपा। रूपा की पुश्तैनी जमीन बहुत बड़ी और उपजाऊ थी, पर वहां कुछ नहीं उपजता क्योंकि रूपा कुछ बोता ही नहीं। वो रोज घर से खेत के लिए जरूर निकलता है, पर खेत जाके सो जाना। रूपा की घर की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। अब रूपा की पत्नी नीला को घर संभालना मुश्किल नजर आ रहा था, क्योंकि घर का सारा धन धान्य समाप्त होने की कगार पे था। एक दिन लीला ने निश्चय कर लिया कि अब वो खुद रूपा के साथ खेत जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह रूपा खेत के लिए निकल ही रहा था कि लीला वहां पहुंच गई। आज से मैं भी आपके साथ खेत आऊंगी। रूपा को समझ आ गया कि अब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। कब तक छुपेगा? दोनों खेत पहुंचे तो लीला खाली खेत देख के हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रूपा दिन भर खेत में करता क्या है। उसने रूपा की तरफ गुस्से से देखा, फिर यहां वहां देखने लगी। लीला ने सोचा कि अब शायद उससे ही रूपा को मेहनत करना सिखाना पड़ेगा। और उसने रूपा के हाथ में एक कुदाल दी और खेत की तरफ इशारा किया। रूपा कुदाल चलाता और लीला बीज बोती। शाम होने तक वो दोनों मेहनत करते। अगले दिन यही सिलसिला चल रहा था, तब एक ऋषि मुनि वहां पहुंचे। ऋषि मुनि को देख लीला उनके लिए पानी लाई और रूपा ने उन्हें खाने के लिए अपनी चटनी रोटी परोसी। इस दंपति की सेवा से खुश होकर ऋषि मुनि बोले, मैं तुम दोनों की सेवा से बहुत खुश हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? लीला रूपा की तरफ देखने लगी और तभी रूपा को कुछ सूझा। अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं, तो हमारी सहायता के लिए एक सहायक दीजिए जो हमारे सारे काम कर दे। लीला इस बात को सुनकर थोड़ी नाखुश नजर आई और वो चुप रही। ठीक है, अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो यही सही, पर याद रहे तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि ये सहायक हमेशा व्यस्त रहे। हाँ हाँ, हमारे पास बहुत काम है, अगर आप हमें सहायक दे दे। तथास्तु। ऋषि ने जैसे ही कमंडल से जल छिड़का, एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। मुझे काम दो मेरे मालिक, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रूपा और लीला थोड़े डर जाते हैं। ये सारा खेत बो दो, बीज उस बोरी में है। अब मैं चलता हूँ, याद रहे इसे हमेशा व्यस्त रखना। ऋषि मुनि को वहां से निकले अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि राक्षस लौट आया। खेत बो दिया है, मुझे काम दो मेरे मालिक, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इतनी जल्दी? अब एक काम करो, वहां कुआं खोदने का काम अधूरा है, उसे पूरा कर दो। राक्षस वहां से गायब हो जाता है। ये आपने क्या बला मांग ली, ये तो आपको खा लेने की बात करता है। अब तो मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं ये राक्षस मुझे सच में ना खा ले। ये इतनी जल्दी काम खत्म करके लौट आता है और फिर मुझे खाने की बात करता है। इससे अच्छा तो मैं खुद ही मेहनत कर लेता। अचानक लीला को एक युक्ति सूझी और वो राक्षस के लौटने की राह देखने लगी। अब जैसे ही राक्षस लौटा, इससे पहले कि वो बोलता, लीला बोली, हमारे गांव के बाहर एक कुत्ता बंधा है, मोती, जाओ और उसकी पूंछ सीधी करो। राक्षस वहां से गायब हो गया। शाम हो गई, राक्षस अभी तक लौटा नहीं। अब तक तो राक्षस ने मोती की पूंछ सीधी कर दी होगी ना। रूपा की बात सुनकर लीला हंसने लगी और बोली,
मेरे भोले भाले स्वामी, मैंने उसे कभी ना खत्म होने वाला काम दिया है और आज से आप मन लगा के काम करिए, वरना फिर ये राक्षस आपको खाने आ जाएगा। ये काम खत्म करके घर लौट आना, बहुत काम बाकी है। लीला की समझदारी से रूपा की जान बच गई और उसे ये भी समझ में आ गया कि आलस बुरी बला है। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। शाइनी, मैंने पिछले हफ्ते तुम्हें इस बुक पर कवर चढ़ाने के लिए कहा था, पर तुमने अभी तक नहीं किया। मैं थोड़ा बिजी हो गया था माँ, मैं कल कर लूंगा। बिजी पर किस काम में, तुम्हें अपना काम समय पर करना चाहिए शाइनी। माँ, मैं इसे कल कर लूंगा पक्का। तो क्या तुम आलसी पेड्रो की तरह बनना चाहते हो? आलसी पेड्रो? सुनो। ये कहानी सुनेंगे। पेड्रो एक ऐसा लड़का था जो अपनी माँ के साथ छोटे से घर में रहता था। पर पेड्रो की माँ को हमेशा एक बात की फिक्र रहती थी। मेरा पेड्रो कब अपना काम वक्त से करना सीखेगा? काश के वो सीख जाए, सभी को वक्त की इज्जत करनी चाहिए। पेड्रो, तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? मम्मा, अभी वक्त बचा हुआ है, मैं कल सुबह कर लूंगा ना, स्कूल जाने से पहले। तुम्हें अपना काम वक्त पर करना चाहिए पेड्रो। मम्मा, मैं थक गया हूँ, मुझे खेलने दो ना प्लीज। पेड्रो, तुमने अभी तक होमवर्क पूरा नहीं किया? बस आखिरी आंसर मम्मा। अरे बेटा, देखो स्कूल बस भी आ गई है। पेड्रो, अब तुम्हें स्कूल में बुरा रिमार्क मिलेगा। टाटा, होमवर्क हो गया मम्मा। हमेशा ये आखिरी वक्त पर काम करना मुझे पसंद नहीं पेड्रो। खैर अब जाओ, और हाँ, आज याद से कारपेंटर अंकल चार्ली को बुला लाना, घर में कुछ चीजें ठीक करवानी है। मैं तुम्हें ये एक हफ्ते से बोल रही हूँ। मैं आज कर दूंगा। और मम्मा, अगले हफ्ते मेरी बर्थडे पार्टी मत भूलना। अच्छा बाय। अंकल चार्ली कहाँ है? ओ नहीं, मैं भूल गया। भूल गए? तुम कैसे भूल सकते हो? सॉरी मम्मा। बहुत आलसी हो तुम कभी भी काम करना ही नहीं चाहते है ना? मेरी बर्थडे पार्टी पे हम क्या करेंगे मम्मा? ठीक है, अपने दोस्तों को घर बुला लो। ठीक है, मैं उन्हें बुला लूंगा। मैं बुलाऊंगा हेनरी, केविन और जेकब को, वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। वो बहुत बड़े घर में रहते हैं। ठीक है, बुला लो उन्हें। ठीक है मम्मा, मैं उन्हें जाकर बुला लाता हूँ। और अंकल चार्ली को भी बुलाना। क्या तुमने अपने दोस्तों को बुला लिया पेड्रो? हाँ मम्मा, सब आ रहे हैं। और तुमने अंकल चार्ली को बुलाया पेड्रो? ओ नहीं, मैं फिर से भूल गया। आखिरकार पेड्रो का बर्थडे का दिन आ गया, वो बहुत खुश था। तुम अब एक और साल बड़े हो गए हो पेड्रो, हैप्पी बर्थडे बेटा, ये तोहफा तुम्हारे लिए। वाह। ओ, तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं, तैयार हो जाओ, पार्टी शुरू होने वाली है। ओ थैंक यू, तुम लोग यहाँ पर बैठो, मम्मा केक ला रही हैं। ओ नहीं पेड्रो, वहाँ नहीं, रुको। पेड्रो, इसीलिए मैंने तुम्हें कारपेंटर अंकल चार्ली को बुलाने के लिए कहा था, जो तुमने नहीं किया, और अब देखा। बाय पेड्रो, हम यहाँ बैठ नहीं सकते, हम घर जा रहे हैं। तो तुमने देखा वक्त पर काम करना कितना जरूरी है? तो तुमने देखा समय पर काम करने की क्या अहमियत है? हाँ माँ, मुझे आलसी पेड्रो जैसे नहीं बनना है। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के पास एक गधा था, जिस पर वो सामान लादकर ले जाता और मंडी में जाकर बेच देता था। व्यापारी को हर रोज बाजार पहुंचने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी। एक दिन व्यापारी गधे की पीठ पर नमक की बोरी लादे नदी पार कर रहा था, पर गधा नदी में गिर गया।
नदी में गिरने की वजह से बोरी में रखा पूरा नमक घुल गया और व्यापारी बाजार ना जाकर घर लौट आया। अगले दिन व्यापारी फिर से गधे की पीठ पर नमक की बोरी लादकर नदी पार करने लगा, पर इस बार गधा नदी में जानबूझकर गिर गया ताकि वो दोनों घर वापस लौट जाएं। इस बार व्यापारी गधे की ये चाल समझ गया। तो गधा जानबूझकर पानी में गिर गया ताकि बोझ उठाने से बच सके, इसे तो मैं कल सबक सिखाऊंगा। अगले दिन व्यापारी नमक की जगह बोरी में कपास भरकर गधे की पीठ पर लादकर नदी पार करने लगा। हर दिन की तरह इस बार भी गधा जानबूझकर नदी में कूद गया और पानी के कारण कपास से भरी बोरी काफी भारी हो गई। बोरी में पानी भर जाने के कारण गधे के लिए चल पाना मुश्किल हो गया। ना चल पाने की वजह से व्यापारी ने गधे की डंडे से पिटाई की और इस तरह गधे को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपना हर काम ईमानदारी से करना चाहिए।